ये है नेचर की आवाज एंड बहुत सही है यार, शांत शांत एकदम, लोगों से दूर। काफी अच्छे अच्छे पेड़ है यहाँ पे। वाओ। हेलो गाइज एंड वेलकम टू माई चैनल एकेजी व्लॉग्स। सो आई होप आप सब अच्छा कर रहे हैं। एंड अभी मॉर्निंग के 7 बज रहे हैं और मैं आया था नेशनल पार्क। लाइक नेशनल पार्क इट्स ऑफिशियल, मतलब जो बोरीवली वाला है वो नहीं, इट्स मतलब वो तो मेन गेट है, मतलब वहाँ से मेन एंट्री है। तो मतलब ये मेरे घर के जस्ट पीछे है और मैं सोचा लेट्स सी इनसाइड जाते हैं जरा अंदर, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं अंदर है क्या। तो आज हम लोग मतलब 1 आवर, मैंने एक टाइम सेट किया कि 1 घंटा मैं वॉक करूँगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं देखने को, लाइक मल्टीपल लाइक बोटैनिकल ट्रीज है, लाइक मल्टीपल वराइटीज ऑफ ट्रीज हैं और बर्ड्स हैं, एनिमल्स भी हैं, लाइक डियर है, सांबर है और टाइगर, लायन, लेपर्ड और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, लाइक लंगूर है, मतलब मंकी है और काफ़ी सारे एनिमल्स है। तो देखते हैं उसमें क्या दिखता है क्या नहीं दिखता। आई होप कुछ तो दिख जाए, क्योंकि मैं निकला हूँ तो कुछ अगर दिख जाएगा तो फिर अच्छा ही अपने लिए यार। और सुबह सुबह जिस बर्ड्स की जो सिंगिंग वो सुनिए काफ़ी अच्छी है। तो ये नेचर की वाइब है। एंड ये कुछ ऐसा है, मतलब अभी ऑब्वियसली समर का टाइम है तो सारा जंगल सूखा हुआ है, नॉट सूखा हुआ बट ठीक है, इतनी हरियाली नहीं है। तो वहाँ पे दो तीन घर हैं जो कि नेशनल पार्क के अंदर ही लोग रहते हैं। और ये कुछ ऐसा है, मतलब यहाँ पे ट्रीज एंड ऑल दैट काफ़ी सारी। वाह यार, मतलब नेचर का जो कॉल होता है वो काफ़ी अच्छा है। मतलब यहाँ पे ऐसा है कि आप सिटीज़ में रहते हो, दिन भर आपको गाड़ियों की आवाज़, लोगों की आवाज़ एंड काफ़ी सारे डिस्टर्बेंस रहते हैं, यहाँ पे आने के बाद सुकून मिलता है और वो सुकून मुझे मिल रहा है अभी मॉर्निंग में। सो आई एम सो लकी। और चलते हैं जो भी रहेगा। मैं सो दिस इज़ कोयल आई गेस। नहीं, कोयल नहीं है, कोई और बर्ड है, मुझे इतने बर्ड्स का आइडिया नहीं है, बट जिसको होगा वो ऑब्वियसली समझ जाएगा। तो चलते हैं और देखते हैं क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं हम इसके अंदर। सो जो भी रहेगा मैं आपको दिखाऊंगा और फिर रोज़ कुछ ट्राई करेंगे नया, कुछ ना कुछ एक्सप्लोर कर ले। बट ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि ज़्यादा अंदर जाना अलाउड नहीं है, और अलाउड इसलिए नहीं है बिकॉज देर इज़ सम रीज़न, क्योंकि उसके बाद फिर वो प्रोहिबिटेड जोन आता है जहाँ पे लायन और टाइगर्स जो होते हैं वो खुले घूमते हैं, तो फिर वहाँ पे जाना ठीक नहीं है। तो जहाँ तक हम जा सकते हैं वहाँ पे हम ज़्यादा अंदर की तरफ जा रहे हैं। अरे इतना अच्छा रास्ता बना कब दिया, आई डोंट नो। सो ये सारी बैम्बू ट्रीज है, छोटी छोटी ये बैम्बू ट्रीज। यहाँ पे कुछ ऐसे घर बनाए गए हैं और उसके बाहर कुछ बाड़ वाड़ लगा गया है, तो लोग रहते हैं यहाँ पे। और बड़ी ये जो ये लोग हैं जो वो नेशनल पार्क के अंदर रहते हैं सीधे। तो दे लिव इनसाइड ओनली। और हम आगे बढ़ते आगे। ये जब एक एक टर्न आता है ना तो ऐसा लगता है कि नहीं कुछ नया आने वाला है, मतलब यू नो थोड़ा थ्रिल हो जाता है। और यार ये साइड में दो कुत्ते चल रहे, दिखा नहीं पा रहा मैं, ये देखो अंदर दो कुत्ते हैं ना, ये मेरे साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, अच्छी कंपनी मिल गई मेरे को, नेवर माइंड। पर इनसे तेज में भाग नहीं पाऊंगा अगर कुछ आया तो सामने। सो ये अभी मुझे जलेबी का पेड़ दिखा और ये महाराष्ट्र साइड में जो रहते हैं उनको पता है, आई डोंट नो सबको पता होगा बट मुझे खुद को नहीं पता कि इसको इंग्लिश में बोलते क्या है, मतलब इसका बोटैनिकल नेम क्या हो तो पता नहीं मुझे,
बट हाँ मतलब एक लोकल लैंग्वेज में इसको जलेबी बोलते हैं। वो फुली आपको दिख रहा होगा, उसके अंदर रेड रेड जो फ्रूट्स हैं वो सारी जलेबी है, मतलब उसको तोड़ तोड़ के खाते हैं तो वो थोड़ा खट्टा मीठा लगता है। सो अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स हो गए हैं और अभी तक तो कुछ खास दिखा नहीं है, मतलब फ्रीज वगैरह दिख रहे हैं ऑब्वियसली, बाकी उसके अलावा कुछ अभी नहीं है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये लिखा हुआ है ना वृक्ष लागवन व सर्वधन अभियान स्थल डिंडोशी। सो यहाँ पे बेसिकली अगर आपको आना है जिसको आना है जो ट्रीज वगैरह लगाते हैं तो ट्रीज यहाँ पे लगा सकते हैं, इट इज़ अलाउड। सो ये वो जगह है जहाँ पे अभी 500 ट्रीज यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल किए गए हैं, मतलब लगा दिए गए हैं, और लोग आते हैं जिसको लगाना है वो लगाते हैं। सो दिस इज़ गुड यार, मतलब आपको ट्री लगाना चाहिए। सो एटलीस्ट अपने बर्थडे के दिन 10 ट्रीज अगर आप लगा दो, या जो भी एक फंक्शन आता है जिस दिन हम थोड़ा करते हैं तो उस दिन अगर हम एक ट्रीज अगर लगाएं तो सर दैट इज़ वेरी गुड फॉर आर नेचर, और हमारे लिए भी, हमारे फ्यूचर मतलब बोलते हैं आने वाली जनरेशन के लिए अच्छा है वो। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये घर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो बैक कैमरे से दिखाता हूँ मैं आपको, वो घर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सीधे घर तो ये काफ़ी रेट्रो वाइब दे रहा है नहीं, अच्छा ये इट्स वेरी गुड। काफ़ी अच्छा यार ये। सो चलते चलते मैं आपको कुछ बताता हूँ नेशनल पार्क के बारे में जो मुझे पता है। जो बोरेली नेशनल पार्क है उसका नाम है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, और ये काफ़ी बड़ा है, मतलब ऑब्वियसली जो ऑफिशियल एंट्री है वो आपको बोरेली से मिल जाएगी, जहाँ का जो अप्रॉक्स मतलब एग्जैक्ट फिगर तो मैं बता नहीं पाऊँगा आपको क्योंकि अभी वो चेंज हुआ है और मैं वहाँ से कभी जाता नहीं बिकॉज मेरे घर के पीछे है। और बट जिसको लगता है उसको 70 रुपीज़ अभी हुआ है, पहले 54 था, अभी गवर्नमेंट ने थोड़ा प्राइस में कुछ इंक्रीमेंट किया है तो 70 रुपीज़ हुआ है अभी शायद, या कम हो सकता है ज़्यादा भी होता है, आई डोंट नो, एक मैं अप्रॉक्स फिगर बता रहा हूँ, बस इसके नियर बाय होगा जो भी होगा। और बोरीवली टू जो गोरेगांव अपना आरे कॉलोनी है, आरे कॉलोनी पूरा नेशनल पार्क का हिस्सा ही है, फिर वो मुलुंड पवई थाने, तो नेशनल पार्क काफ़ी बड़ा है और उसकी ऑफिशियल एंट्री जो है वो एक ही है, विच इज़ बोरेली का जो मेन गेट है। तो इफ़ समवन वांटेड टू विजिट तो वो मतलब बोरेली से जा सकता है ऑब्वियसली। ये सारी जगह से आप गए तो आपको ज़्यादा एक्सप्लोर करने ऑब्वियस मिल जाएगा, बट फिर किसी फॉरेस्ट रेंजर ने पकड़ लिया तो फिर आपको आंसर करना पड़ेगा, जो कि ज़्यादा कूल नहीं रहेगा बिकॉज वो कुछ एक्शन भी आपके खिलाफ ले सकते हैं, ऑब्वियसली यू आर एंट्रिंग इन एट रॉन्ग प्लेस। सो इधर आप परमिशन लेके जाइए, इधर अगर कोई कुछ बोल मतलब अगर कोई आपका फ्रेंड है जो रहता है लाइक मी और कोई भी तो फिर आप आ सकते हैं। और अभी मैं आया हूँ, मैं चल ही रहा हूँ और कुछ अभी दिखा तो नहीं है आप, मतलब यह चीज़ है, सीनरी काफ़ी अच्छी है, पार्क मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और देखते हैं आगे क्या है। आप तो चल रहे हैं, अभी मुझे अप्रॉक्सीमेटली 35 मिनट हो गए चलते चलते। ओके थोड़ी थोड़ी प्यास भी लग रही है बट पानी नहीं है मेरे पास, सो मुझे नेक्स्ट टाइम से पानी लाना पड़ेगा। अब यहाँ पे दो रास्ता है यार, मैं जाऊँ किधर? सो एक ये रास्ता है और ये रास्ता है, अब मैं कहाँ जाऊँ? लेट्स टेक लेफ्ट, लेफ्ट चलते हैं। सो यहाँ पे एक हैंडपम्प है, वो पता नहीं क्यों दिया गया है, क्योंकि इसमें पानी तो आता नहीं रहेगा, सो फिर वो दिया क्यों है। ओके लेफ्ट इज़ ऑलवेज गुड ना, ओके हाँ। सो ये देखिए यहाँ पे हैंडपम्प है और ये हैंडपम्प पता नहीं क्यों दिया गया है, ये वॉकिंग भी है कि नहीं आई डोंट नो, लेट्स चेक इट आउट, एक बार चेक करते हैं। सो भाई ये हैंडपम्प है और किसी एंगल से हिलने वाला नहीं है, ओ भाई 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 भाई, भाई, भाई।
गलत है गलत है। सो अब ये काइंड ऑफ डैम या आप जो भी बोल सके ये आ गया है, तो इसको क्रॉस करना पड़ेगा। ओके, बारिश में ऑब्वियसली यहाँ पानी भर जाता है और मेरी चप्पल में ज़्यादा आवाज़ कर रही है, ये भी एक फैक्ट है। यहाँ पे लोग रात में कैंपिंग वैम्पिंग करते हैं, वो आग वाग जलाते हैं। आई डोंट नो यहाँ कौन सी कैंपिंग होती है उनकी, बट ठीक है। और दिस साइड तो ये एक लेक काइंड ऑफ है जो भी सूखी हुई है ऑब्वियसली, बट वो बारिश में भर जाएगी। सो दैट्स गुड। और ये आगे राइट टर्न, रॉन्ग टर्न ले लिया क्या मैं देख पा रहे हो, बट यार काफी घना जंगल है। सी, और काफी डीप है ये, तो भाई अलग ही गुफा लग रही है। ओके, चलते हैं आगे। 45 मिनट्स हो गए मेरे को, 15 मिनट्स मोर, फिर उसके बाद मैं चलना बंद कर दूंगा। यार 1 आवर में कुछ भी एक्सप्लोर नहीं कर पाया मेरे को, पर ठीक है जितना है वो काफी है मुझे लगता है एक दिन के लिए, क्योंकि आज मेरा फर्स्ट डे था। सो हमेशा की तरह ज़िंदगी ने मुझे दो रास्तों पर लाके खड़ा कर दिया है और मैं जाऊँ कहाँ समझ में नहीं आ रहा। सो ये एक राइट जा रहा है, मतलब राइट यू कैन से दैट स्ट्रेट ही जा रहा है, और ये हर का सर लेफ्ट जा रहा है। अरे यार क्या करूँ मैं, चलो अगेन लेफ्ट लेते हैं ठीक है कि राइट थोड़ा सा घना है, लेफ्ट थोड़ा क्लियर दिख रहा है, तो लेफ्ट से चलते हैं। और अंदर से पता नहीं कहाँ कहाँ से लोगों की आवाज़ आ रही है। अब थोड़ी सी एंजाइटी हो रही है मेरे को कि अचानक कहीं से लेपर्ड कूद के ना आ जाए मेरे ऊपर, क्योंकि भाई ऐसे पेड़ पेड़ पे बैठे रहते हैं उनको, और कहीं से भी कूद के आ गया तो ख़त्म मेरी कहानी, अच्छा ब्लॉग शूट हो जाएगा। सॉरी वो अपलोड भी नहीं हो पाएगा वो अनफॉर्चुनेटली। बट करना पड़ता है, इतना मुझे खुद को एक्सप्लोर करना था तो थोड़ा रिस्क तो बनता है। अब इसके आगे कुछ नहीं है यार, इसके आगे मुझे जंगल के अंदर अंदर जाना पड़ेगा आई गेस। बट यहाँ पे लोगों के पैरों के निशान है, तो जहाँ तक है वहाँ तक तो मैं जा रहा हूँ। तो यार यहाँ पे इतने सारे रास्ते हैं ना, ठीक है ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, और एक तो इस पर हम कंसिस्टेंटली चल रहे हैं वही रास्ता है, और एक ये रहा, तो रास्ते ही बहुत सारी है, पता नहीं कौन सा कहाँ जाता है। ओ वाह, अब लगता है बेयर ग्रिल्स बनना पड़ेगा भाई को, तो आ मत जाना बस, थोड़ी अब फट रही है तसल्ली से, क्योंकि अकेला हूँ और कोई ऐसा डंडा वंडा भी लिया नहीं हाथ में, तो ऑब्वियसली यार फटेगी ना यार, हंसो मत तुम लोग। और ये रास्ता देख के बिल्कुल वो मत करना कि नहीं रेगुलर है, ऐसा रेगुलर रास्ता नहीं है ये, ये सिर्फ रेंजर्स के लिए है, इस पर रेगुलर पब्लिक कोई नहीं आती। अरे यार दूसरा, ये दूसरा डैम आ गया अगे भाई, कितना अंदर लेके जाएगा। सो ये दूसरा डैम आ गया, सी। सो आई बिलीव आज यहाँ स्टॉप करना चाहिए।
बाकी सीधे व्यू है यार, काफ़ी अच्छा व्यू है और ये व्यू सबको देखने नहीं मिलता। ठीक है, पूरा जंगल जंगल। सो आज के लिए ये सेकेंड डैम पे क्लोज करते हैं, बिकॉज थक गया और एक मेरा 1 आवर कंप्लीट भी हो गया है। तो एटलीस्ट मतलब एक्चुअली मेरा भी फर्स्ट टाइम है टू बी वेरी ऑनेस्ट, और आई डोंट नो कहाँ तक जाना चाहिए कहाँ तक नहीं जाना चाहिए। सो ये काफ़ी अंदर आ गया हूँ मैं, मतलब यहाँ पे 30 मिनट से मैं चल रहा हूँ, मुझे कोई भी इंसान दिखा नहीं है। तो ठीक है अभी, और ये जो रास्ता है ये आपको ऐसा लग रहा होगा ये बनाया हुआ, बट ये सिर्फ रेंजर्स के लिए है, फॉरेस्ट ऑफिसर्स के लिए। तो ये नॉर्मल रास्ता तो है नहीं। और कोयल की आवाज़, तो आप ये सुनिए। और ये जो सेकेंड डैम या जो भी आप बोल लो फूड पार्क, यहाँ पे मैंने क्लोज़ किया है। तो नेक्स्ट टाइम से जब नेक्स्ट टाइम हम आएंगे, इफ़ आपने बोला कि आपको और देखना है अंदर, तो नेक्स्ट टाइम भाई तो ऐसा लग रहा है कोई ना कोई खड़ा है भाई। अलग डर लग रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट डर लगता है, डर लगता है बिकॉज ऐसा सामने से कुछ आओ इसका डर नहीं लगता, वो जो पीछे से अटैक, और यार एनिमल्स तो पीछे से ही अटैक करते हैं तो पीछे का डर लगता है। तो ठीक है, यहाँ सेकेंड हमने क्लोज़ किया है, फिर आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे अगर आप लोग ने बोला तो। इफ़ आपको देखना है और आगे, सी मैं आपको दिखा सकता हूँ, और इट्स नॉट समथिंग रॉन्ग बिकॉज आई एम इनसाइडर, तो वो गलत नहीं है, बट वो डिपेंड करता है कि आपको देखना है या नहीं देखना। तो अगर आपको अंदर और देखना है तो डू कॉमेंट्स, तो मैं अंदर जाऊँगा और इस बार किसी के साथ जाऊँगा, अकेले तो नहीं जाने वाला मैं, और कुछ लेके जाना पड़ता है, मतलब हाथ में एक डंडा तो होना चाहिए यार, अदरवाइज पता नहीं कब क्या आ जाए। क्योंकि इट्स प्योरली जंगल, मतलब एक बोलते हैं ना आरे कॉलोनी जैसे एरिया में अगर आ सकता है तो ये तो नेशनल पार्क ही है भाई, यहाँ क्यों नहीं आएगा। वो कहीं बैठ के देख भी रहा होगा तो क्या पता कब अचानक निकल के खाता। ठीक है, जस्ट किडिंग। सो इफ यू वेंट वॉ, मतलब आपको चाहिए कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊँ तो ऑब्वियसली मैं बनाऊँगा, बट आई वॉन्ट मैक्सिमम यू नो कॉमेंट्स के, हाँ आप बनाओ। तो फिर मैं अब मुझे भी पसंद है यार कि मैं अंदर जाऊँ, जरा एक्सप्लोर करूँ है क्या क्या। तो डू कॉमेंट एंड हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल टू, चैनल सब्सक्राइब कर दो यार, और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा। और देखते हैं, अभी तो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर, मतलब हमने 0.1% भी एक्सप्लोर नहीं किया है आज। आज जस्ट मैं ट्राई कर रहा था बिकॉज, और मुझे थोड़ा देखना है कि क्या है क्या नहीं है, तो फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। सो अभी एक लोकल बंदा जा रहा था अंदर, उससे उससे मैंने बात की है, तो ही वॉज लाइक कि आपको अंदर देखने मिलेगा बट थोड़ा आपको अवेयर रहना होगा जानवर से, बिकॉज अचानक आ सकते हैं लोग। तो एक डंडा ले लो हाथ में, उसके बाद आप जा सकते हो, तो ऐसा करेंगे और देखते हैं। एनीवेज आज का वीडियो यहीं क्लोज करते हैं, काफ़ी लेट हो गया, मैं काफ़ी थक गया हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।